हेलो गाइस, हो गई है शाम और शाम का वक्त है। मैं आ चुका हूँ छत पर, ये देखें आप, मैं लेके आया हूँ रोटी अपने कबूतरों को देने के लिए। और धूप काफ़ी भी टाइम हो चुका है 5:30 समथिंग, और आप देख सकते हैं धूप अभी भी है। आप खुद जान लो कि गर्मियाँ इतनी पड़ने लगी हैं और शाम को कबूतरों को 5:30 बजे तक भी इतनी धूप है कि मैं छत पर आया हूँ, मुझे पता है। और ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। वैसे तो हमें पानी वगैरह, हवा आज अच्छी चल रही है तो वैसे भी इतनी धूप नहीं है। ठीक है, शाम का वक्त है तो थोड़ा बहुत तो धूप है। चलते हैं अंदर, जैसे कि हम इनको खोलते हैं, इनको बुलाते हैं बाहर। तो आज शाम के टाइम में देता हूँ उनको रोटियाँ, जैसे कि आप लोग भी अब इनको रोटी वगैरह दें। आओ लो, आओ ठीक है, सारे सब एक एक करके आओ, चलो चलिए आओ 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 आओ। ये देखिए सारे आने चालू हो गए हैं धीरे धीरे। आओ लो, चलो आओ, उड़ गए। जंगली है, जंगली टाइप में, मतलब जंगली नहीं है, है तो पालतू ही। तो ठीक है गाइस, और उनको देता हूँ रोटियाँ, तो ये रोटी वगैरह खा लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे और उनको थोड़ा अच्छा भी लगेगा। ऊपर नीचे हो लेंगे थोड़ा, मतलब ज़रूरी भी है, कबूतरों को बंद करके भी नहीं रख सकते आप, है ना। थोड़ा तो ऊपर नीचे दाएँ बाएँ सब जगह घूमना भी इनको भी बहुत ज़रूरी होता है। और गाइस जल्दी से जल्दी आप बताएँ क्या करना है मुझे। बस इन लोगों को सबको रोटी देते हैं, और ये देखें कुछ रोटी खा रहे हैं। इतने ही कबूतर नहीं है, काफ़ी अभी अंदर हैं, अभी अंदर से बाहर भी नहीं आए हैं। ये देखें बाकी धीरे धीरे चले आ रहे हैं, बाकी ऊपर गए हैं कुछ कुछ, जो मतलब जो बच्चे हैं या पट्टे, जो देखो एक दो कुछ, ये पट्टा है ये। अरे डर रहे, आ रोटी कर गई तो डर गए हैं। चलो आ आ, ये हमने बाकी के सब रोटियां करती हैं। गाइस एक नया कबूतर आया, ये देखें आप, दिख रहा है आपको, ये नया कबूतर है। इसको बिना छड़ी दिखाए बस, सारे कबूतर यहीं बैठे हैं अपने, और देखते हैं आता है कि नहीं आता है। वैसे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो इसको उड़ा दिया है बन्ने। कहाँ गया, ये आ गया, ये आ गया। हवा चल रही है काफ़ी, जो काफ़ी ऊपर है अभी। ये देखे गाइस नया कबूतर है, पूरा मकवे में सफ़ेद है, पूरा सफ़ेद। ये देखे, ये देख पट्टा कबूतर लग रहा है गाइस। ये देखें, ये देखें आप, हवा चा काफ़ी तेज़ है तो वो घूम तो यहीं रहा है, आएगा जरूर आएगा। गाइस आज नया कबूतर पकड़ने वाले हैं पल्लू, और कोई नहीं कोई नहीं, नीचे आ चुका है। वैसे अपन साइड में हो जाते हैं, ज़्यादा दूर परेशान ना करें, क्योंकि ये देखे गाइस आ गया ऊपर, उतर ही रहा है। हवा चल रही है ना काफ़ी, इसके कारण बाकी सभी कबूतरों को अपन बाहर निकाल देते हैं। जल्दी चलो चलो जल्दी, ये पट्टे हैं अपने, ये नए नए पट्टे हैं गाइस। मसक्कली का अंडा, फाइनली मसक्कली ने एक अंडा दे दिया है आज फिर से, तो उसका अंडा तो हमें यहाँ रखना। ये देखें कितना प्यारा घर बना रहे हैं, ये फ्लावर मिलावर ला के बना रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, इनके फ्लावरिंग चल रही है। इसके पास मसक्कली का अंडा रखना है, ये किसके पास रखना है, तो मसक्कली के पास, दूसरे कोई के अंडे रखें। चलो बाहर लाल, तो बाहर चलो सभी लोग। ये आ गया गाइस, पट्टा आया कि नहीं आया, ये आ गया, ये आ गया, ये देखें आप, या फाइनली गाइस मकवे में जो पट्टा था, ये देखें आप, ये देखें आप, पाइप पे बैठा हुआ है अभी, जस्ट बैठ गया है। और मैं उसको नीचे उतारता हूँ जल्दी से, अगर वो नीचे आता है, क्योंकि काफ़ी ऊंचा उड़ रहा था और काफ़ी हपा रहा है। ये देखें, मैंने तो नज़र ऐसी नहीं गई, कबूतर क्या है ना, जब आपको मैं तो दाना डाल रहा था, मुझे नहीं पता था, बस वो तो कबूतर ऐसे दिखते हैं तो समझ जाओ कुछ ना कुछ है। तो गाइस मुझे नहीं पता था, बाकी मैं आपको अगर दिख रहा हूँ तो मैं दिखाता हूँ। ये है गाइस, बाकी सब हमारे नीचे उतर चुके हैं अभी, ये उतर नहीं रहा है अभी, देखते हैं आएगा कि नहीं, डर रहा है अभी। तब काफ़ी काफ़ी शानदार पट्टा है, ये देखें आप, सफ़ेद है बिल्कुल सफ़ेद मकवे में। आ गया आ गया आ गया आ गया, प्यास आएगा इस, इसको पकड़ते हैं अपन, इसको करते हैं अंदर, फिर आपको दिखाते हैं इसका शौक करा के, अगर ये अंदर चला जाए तो। ये देखें आप, काफ़ी हपा रहा है अभी, ये कहीं नहीं जाने वाला क्योंकि ये बिल्कुल थक चुका है। ये बस गया गाइस अंदर, अब इसको पकड़ते हैं जल्द से जल्द, अब आपको कराते हैं। ये देखे गाइस बिल्कुल ही थक चुका है ये पट्टा, ये देखें बिल्कुल, बहुत नए नए पंखों में, छोटा पट्टा है बिल्कुल, छोटी कली का, बड़ा सताया इसने मुझे बिल्कुल ही, देखें आप पूरा हपाया हुआ पट्टा है। और गाइस फाइनली ये देखें,
पकड़ लिया हमने वाइट कलर का पट्टा, बिल्कुल ही पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी गाइस, वो तो खुद ब खुद आ चुका है क्योंकि ये काफ़ी थक चुका है और बिल्कुल मतलब ये समझो हल्का है, बिल्कुल कुछ भी खाना नहीं है इसके अंदर, ना पानी है, बिल्कुल थक चुका है अब जल्दी। और एक तो एक गेज फ़ायदा क्या है मुझे इतना बड़ा गेज बनाने का, क्योंकि इसमें कबूतर घुसने में भी नहीं डरता, फटक से आया अंदर भी चला गया कबूतरों के साथ। और ये देखें बिल्कुल थक चुका है, अब इसको जल्दी से नीचे छोड़ देते हैं क्योंकि मैंने इसके पर बांध चुका हूँ, पिन लगा दी थी तो इसको नीचे छोड़ देते, कोई दिक्कत नहीं, पानी यानी पी लेगा, थोड़ा सा पानी वगैरह सब रखा हुआ है, अब इसको छोड़ देते हैं यहीं पर और फिर चलते हैं बाहर। बड़े शानदार ही पट्टा आ गया और बाकी के कबूतर हमारे घूम ही रहे हैं बाहर। ये देखिए हवा चल रही है काफ़ी, ऐसे में बड़ी दिक्कत हो जाती है गाइस, है ना। तो अब करते हैं इनको अंदर, हो गया इनको घूमना फिरना सब, चलो अंदर चलो चलो। ये नए नए पट्टे हैं अगर जल्दी जल्दी से, ज़रा से जाते भी नहीं है और ज़रा ज़रा से भी उड़ जाएंगे ना, तो इनको भी पता नहीं है कि बैठना कहाँ है, जाना कहाँ है, आना कहाँ है, ये सब चलेगा अभी अंदर। ये कहना वेरी गुड, वो देखें वो बैठा है नया पट्टा, अगर आपको दिख रहा हो तो वो बैठा हुआ है गाइस, ये बीच में बीच के पर बांध दिए हमने और नीचे बीच में बैठा हुआ है। कबूतरों को देने वाला हूँ लीवर टॉनिक, ये क्या है कि गर्मियों में ज़रूरी है थोड़ा देना क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी पड़ रही हैं और इनका खाना वगैरह नहीं पच रहा है, तो इसके कारण मैं देने वाला हूँ लीवर 52। और ये अच्छी बात है, ये इसमें मैंने मिला लिया है 2 लीटर 2.5 लीटर पानी में, एक एक ढक्कन अकेला बहुत है, काफ़ी है इसके लिए। और सभी को मैं अभी अंदर जाके दे देता हूँ। इस बच्चे की नज़र लग चुकी है, कल ही मैंने इस बच्चे को दिखाया था गाइस, इसने अभी खाना इतना सारा फूल गया था, इसका खाना नहीं पचा दिन भर का, जो मैंने भी खिलाया था इसके बाप ने भी खिलाया होगा, तो माँ बाप ने खिलाया तो नहीं पचाता, अभी इसका कोटा साफ़ किया है मैंने पूरा, तो ठीक है अभी थोड़ी देर उसको रेस्ट करने देते हैं धूप में ही, धूप में थोड़ा आराम मिलेगा उसको। तो अभी तो देखते हैं भगवान से बच जाए, दुआ करते हैं, बचना ही चाहिए, इसको लेके चलते हैं अभी अंदर। यहाँ पे अभी मैंने कोटा इसका साफ़ किया, ये देखें गंदा पानी काफ़ी निकला क्योंकि दिन भर का जो भी खाया था इसने निकाला ही नहीं है, पचाया ही नहीं मतलब उसने बिल्कुल ही, और ये लोग पानी पी रहे हैं तो मैं सोच रहा था इनको पानी भी दे दूँ, ये लीवर टॉनिक तो इसके लिए ठीक है, इन लोगों के लिए भी ठीक है और थोड़ा लीवर सही रहेगा इनका भी, थोड़ा थोड़ा मिला देता हूँ। ये पानी दिन भर का है तो फेंक दे, वैसे तो ठंडा पानी था ये वाला भी, क्योंकि पानी यहाँ पे धूप नहीं आती ना तो पानी ठंडा ही रहता है। ये मिला दिया लीवर 52, इसमें भी दोनों में मिला के देना है, सब में भर देता हूँ, ठीक है गाइस पहले भर देता हूँ फिर सबसे बात। अब इस बच्चे को खिलाने वाले हैं दवाई, ये है बिल्कुल मतलब बिल्कुल बारीक दवाई, पैरासीटामोल समझ लें बुखार उखार हो अगर तो, और ये लीवर टॉनिक पानी तो इसको देने वाले हैं, थोड़ा सा भगवान से दुआ करें गाइस ये ठीक हो जाए, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ।